ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े सांपों के जहर सप्लाई मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में जहर के लिए सांपों की तस्करी, रेव पार्टी के आयोजन समेत सभी मामलों के सबूतों का जिक्र किया गया। चार्जशीट में एल्विश के गिरफ्तार किए सपेरों के लगातार संपर्क में होने का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि नवंबर में रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान सपेरों से जहरीले सांप और साथ ही जहर भी बरामद हुआ था। इसके बाद में एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ रेव पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई को लेकर FIR दर्ज की गई थी। सांपों के जहर सप्लाई मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 1200 पन्नों की यह चार्जशीट है और इसके साथ 24 गवाह इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, इस समय 20 थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और यहीं पर एल्विश यादव के मामले की जांच चल रही थी। सांपों की तस्करी से लेकर रेव पार्टी के आयोजन सहित सभी आरोपों के प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि एल्विश जो है वो लगातार संपर्क में था। जो भी लोग सपेरे और तमाम लोग भेजे गए थे वो लगातार एल्विश के संपर्क में थे, लिहाजा ये तमाम तथ्य जुटाए गए। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई की एक टॉक्सिकोलॉजी जो संस्था है उसके विशेषज्ञों की भी राय ली गई है इस पूरी चार्जशीट में। आपको बता दें, नवंबर महीने में PFA की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में, और यहां पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एल्विश यादव 5 दिन जेल में बंद भी रहा है और अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी और कोर्ट का ट्रायल अब जल्द शुरू होगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। कानपुर में 2000 के बंद हो चुके नोट को बदलवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ग्रामीण इलाके में 2000 के पुराने नोट बदलने की जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आरोपी पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे पाए, साथ ही कमीशन पर नोट बदलने की बात स्वीकार की, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पूरे रैकेट के खुलासे के लिए टीम लगा दी गई है। रिजर्व बैंक में महिलाओं को और मजदूर टाइप के लोगों को लगा करके 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। इस सूचना पे जब वहाँ जांच की गई तो ये तथ्य आया कि हाँ, ये पैसे जो है 2000 के नोट बदलवाने का काम किया जा रहा है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर घटना में सत्यता निकलती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। 2000 के नोट भले ही चलन में नहीं है, मगर कुछ माफियाओं ने इस में मजबूर और परेशान लोगों को अपना सदस्य बनाया और इन गैंग के सदस्यों के माध्यम से बैंकों में जाके नोटों को चेंज कराना और चंद रुपयों का लालच देकर अपने सिंडिकेट में लोगों को जोड़ा है। इस गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। हालांकि इस पूरे सूची में 50 से ज़्यादा लोग सामने आए और अधिकतर महिलाएँ और युवतियाँ इसमें शामिल हैं। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ 420 और 120 की धारा के तहत मामला दर्ज किया और अब इनके सिंडिकेट के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा पुलिस इनके मुख्य आरोपी तक कब और कैसे पहुंचती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर बोले सीएम धामी, कहा कि प्रदेश के लिए जो जरूरी होगा वह सब कुछ करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि को प्रयोगशाला कहना गलत है। न्यूज 18 पर पूरा इंटरव्यू देखिए शाम को 7:26 पर। UCC भी पहली बार उत्तराखंड में आया और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहीं लेके आया जाएगा। ये प्रयोगशाला बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको अपना मत समर्थन दिया है उसको इस प्रकार से प्रयोगशाला जैसा शब्द कहना, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि है, देवों के सबसे नजदीक का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, यहाँ पर दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और यहाँ 4 धाम हैं, यहाँ पर आदि कैलाश है, मानसखंड है, हर परिवार से कोई न कोई सेना में है जी। कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये राज्य हिंदुस्तान का जहां देवभूमि है तो वीरभूमि भी है।
तो पहला काम यहाँ हुआ है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्यमंत्री जी आएगा उत्तराखंड में जल्द या नहीं आएगा? देखिए आप, चूंकि उत्तराखंड राज्य की जो यहाँ का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे निर्णय हम करेंगे। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस को देश तोड़ने वाली पार्टी बताया। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो, आज देश में वो राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा जी, वो ये कहता है कि मोदी आएंगे तो देश में आग लगा देंगे वो लोग, बहुत चिंता की बात है। इन्होंने 2014 में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं आज 10 साल के बाद पूछता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया कि इनके समय भ्रष्टाचार शासन था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहां से निकालकर आज भारत को दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और ये पूरा इंटरव्यू रात को 8:56 पर आप देख सकते हैं। यहां पर रुकना एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो, अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। क्या आप सरकारें जेल से चलेंगी? ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है वैसे, मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए चलो, क्या क्या मारता हूँ देखो, ऊपर ऊपर मारे, हमारी लाइट और वीडियो वॉल में चलो चल।